आइए मोहब्बत फिर से सजाई जाए और देखा जाए कि वायरल डिजीजेस कौन कौन सी एनसीईआरटी में। आइए तो देखिए, वायरल डिजीजेस में जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है वो केवल कॉमन कोल्ड ही एक्सप्लेन है, लेकिन हम आपको थोड़ा थोड़ा सारे वायरसेस के बारे में हल्की हल्की जानकारी देंगे। आपको हल्का हल्का वैसे भी एनसीईआरटी का शुरू रहता ही है। तो डिजीज का देखिए नाम कॉमन कोल्ड है, और इसके पैथोजन का नाम अगर आप देखें जिससे इन्फेक्शन होता है, पैथोजन का नाम है रिनोवायरसेस। ये देखिए, ये रिनो वायरस से ये इन्फेक्शन होता है। एक्चुअली रिनो का सही मतलब जो होता है नोज होती है। अगर आप ये बात समझ जाए एनसीईआरटी में कि कभी भी अगर कहीं पर रिनो लिखा हो, नेजल लिखा हो या नोज लिखा हो, सबका मीनिंग एक होती है। ये देखिए, रिनो, नेजल, नोज, सबकी मीनिंग एक है। अगर आप समझ जाए तो फिर क्या बात है। ये देखिए, तो पैथोजन है जिसका नाम रिनो वायरस है। अगर आप इसका इन्फेक्शन देखें, इन्फेक्शन देखिए कैसे इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन देखिए बाई कंटामिनेटेड एयर या एयरोशाल, बाई कंटामिनेटेड एयरोशाल चाहे एयर लिख लें, और पेन हो गई, बुक्स हो गई, माउस हो गया, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं जिनमें ऑलरेडी पहले से जिस व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन होता है वो व्यक्ति छींकता जब है, ड्यू टू स्नीचिंग लिख सकते हैं, आगे पूरी बात हो जाए, ड्यू टू स्नीचिंग, जब किसी व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो वो लगातार छींकता रहता है, ना कि उसकी नाक जो उसकी लाल हो जाती है, एकदम पकौड़े जैसे नाक दिखाई पड़ती है, और उस समय हम कहते हैं कि इसमें कॉमन कोल्ड हो गया है। तो बाई कंटामिनेटेड एरोसॉल, एयर, पेन, बुक्स, माउस एक्सेट्रा ड्यू टू स्नीजिंग। अगर इन्फेक्शन के बाद इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो इट अफेक्ट नुकसान पहुंचाता है, इट अफेक्ट नोज हो जाता है, इसलिए नाक पकौड़े जैसी हो जाती है, नाक कैसी हो जाती है, पकौड़े जैसी हो जाती है। पहली बात तो ये हो याद कर ले आप, नाक पकौड़े जैसे हो जाती है, लाल हो जाती है, कुल इसका सेंस मतलब ये है कि लाल हो जाती है। इट अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी, देखिए ट्रैक्ट लिखा है, इट अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहां तक तो बात सही है, आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में आगे लिखा है बट नॉट लंग्स, कभी भी ये फेफड़े को प्रभावित नहीं करता है। आप ऐसे इसको घेर लें क्योंकि यही बात आपको याद करनी है। इसके पहले जो आपने देखा था निमोनिया में तो फेफड़े को प्रभावित कर रहा था, लुलाई को, लेकिन ये लुलाई को प्रभावित नहीं करता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है और जो है नोज को प्रभावित करता है, लेकिन लंग्स को प्रभावित नहीं करता है, ये इन्फेक्शन हो गया। अब अगर आप इसके सिम्टम्स देखें, सिम्टम्स में देखें तो ये देखिए, सिम्टम्स में सबसे पहले आपको फीवर होगा, हॉर्सनेस होगी। हॉर्सनेस मतलब जब आप सांस लेंगे तो एक अजीब तरह की आवाज जो है गले से आएगी, हॉर्सनेस आएगी। ये देखिए, हॉर्सनेस होगी, फीवर होगा। इसके बाद देखिए हेडेक होगा और देखिए कफ हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम इसमें होगी, हेडेक हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, हॉर्सनेस हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम होगी, ये इसके सिम्टम्स हैं। अब ये देखिए, इट लास्ट फॉर एनसीईआरटी लिखती है, इट लास्ट फॉर 3 to 7 days, मतलब अपने आप 3 से 7 दिन बाद ये अपने आप खत्म हो जाती है, आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाती है। लिखा हुआ एनसीईआरटी में कंफर्म करने कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3 से 7 दिन में अपने आप खत्म हो जाती है, एक्यूट प्रॉब्लम है, कोई क्रोनिक नहीं है, लंबे दौर तक नहीं चलती है, तो आपको ये बात याद करनी है। इसके बाद जो आपके यहाँ अगला फीवर है, ये देखिए जो अगला आउट ऑफ एनसीईआरटी है उसको सीखना है। जैसे आप ये देखिए, एक फीवर है जिसका नाम है डेंगू फीवर है, आपने देखा होगा ये बहुत ज्यादातर लोगों को होता है। ये देखिए डेंगू फीवर है या इसी को हम लोग ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, क्योंकि इसमें हड्डियों के ज्वाइंट्स में बड़ा पेन होता है, ब्रेक बोन फीवर कहते हैं।
ये देखिए ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, डेंगू फीवर कहते हैं या ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। इसका जो पैथोजन है ये होता है अरबो वायरस से, एक खास तरह का वायरस है जिससे होता है, अरबो वायरस से होता है। डेंगू फीवर अरबो वायरस से होता है, आपको याद करना है। इसका जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इसका, ये है एडीज एजिप्टी है। ये देखिए एडीज से ये इन्फेक्शन होता है, ये देखिए एडीज एजिप्टी है, ये इसका वेक्टर है जिससे ये फैलता है। और इसके अगर आप सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स में ये देखिए सिम्टम्स देख लें आप, इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं। अगर आप इसके सिम्टम्स देखते हैं तो इसमें मस्कुलर पेन होता है, तो पहली बात मस्कुलर पेन होता है, ये देखिए मस्कुलर पेन होता है। फिर ज्वाइंट पेन होता है, ज्वाइंट पेन होता है, और हेमरेजिक कंडीशन, हेमोरेजिक कंडीशन इसमें जो स्किन है इसमें ब्लड के पैचेस बन जाते हैं। पिछले साल मुझे डेंगू हुआ था, इसका मुझे एक अच्छा अनुभव है और मैंने अच्छे से झीला। मतलब आप समझे कैसे, जैसे लगता है कि स्किन पे किसी ने जगह जगह पर ऐसे पैच बना दिया, स्किन किस तरह से दिखाई पड़ता है, आगे पड़ा हुआ इसमें प्लेटलेट काउंट घट जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है इस डेंगू फीवर में, और वेक्टर आप देख लीजिए एडीज एजिप्टी है। इसी तरह से एक दूसरा फीवर है जिसे हम लोग चिकनगुनिया कहते हैं। ये देखिए चिकनगुनिया एक तरह से ये भी एक फीवर है जिसको आपको सीखना है। इसका जो वायरस है उस वायरस का नाम टोगा वायरस है जिससे ये फैलता है। ये देखिए ये टोगा वायरस है जिससे ये फैलता है। चिकनगुनिया में जो वेक्टर है वही सेम है, इसलिए मैंने बगल पर लिखा है दोनों, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसका जो वेक्टर है उसका नाम एडीज एजिप्टी है, एडीज एजिप्टी इसका भी वेक्टर है। सिर्फ वायरस चेंज हो गया, इसका वायरस टोगा वायरस है। फिर आपको इसके बारे में लिखना है कि इसका सिम्टम्स क्या है। देखिए सिम्टम्स उसमें से काफी मैच करते हैं, इसमें भी मस्कुलर पेन होता है और ज्वाइंट पेन होता है, ये देखिए। इसके सिवाय ये देखिए ये दूसरी डिजीज हो गई, ये तीसरी डिजीज हो गई, चौथी डिजीज देखिए, डिजीज का नाम पोलियोमाइलिटिस है। भारत पोलियो से अब मुक्त हो चुका है, लेकिन आपने पढ़ा होगा पहले पोलियो बहुत ज्यादा होती थी बच्चों को, अब भारत में पोलियो बहुत कम होता है। इवन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2012 में भारत को पोलियो मुक्त देश बना दिया है। पोलियोमाइलिटिस जो होता है इसके वायरस का नाम पोलियो वायरस है। ये देखिए इससे जो इन्फेक्शन होता है इसमें मेनली जो होती है व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाती है, ये देखिए पैरालिसिस हो जाती है, ये मेन होता है, लकवा मार जाता है बॉडी में, लोअर साइड में अपर साइड में जहां फेस का इन्फेक्शन हो गया। मतलब एक तरह से आप जाने कि न्यूरल सिस्टम को सीधे नुकसान पहुंचाता है। और इस तरह से आप समझे कि इस पोलियो के कारण व्यक्ति को लकवा मार जाता है। इसकी वैक्सीन होती है, आपने पढ़ा होगा इसकी वैक्सीन जो होती है उसे पोलियो वैक्सीन कहते हैं। ये शाक और शेविन ने बनाई थी पोलियो वैक्सीन, ये दो तरह होती है। पहले जो बनाई गई थी ओपीपी बनाई गई थी, ओपीपी का पूरा नाम ओरल पोलियो वैक्सीन था, ये पुरानी वाली है, इसको पिलाया जाता है। अभी जो पिला रहे हैं जो नई वाली है ये ओरल है, ओपीपी कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन है। ये पुरानी वाली जो थी उसको आईपीपी कहते थे, ये इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन थी, इसको इंजेक्ट किया जाता था, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन है। ये देखिए आपके घर के आसपास आपको इसकी वैक्सीन पिलाते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे, जो खास तरह के लोग हैं, ये 5 साल के बच्चों को ये वैक्सीन पिलाते हैं। इसकी पहली डोज को हम लोग बूस्टर डोज कहते हैं। इस वैक्सीन को पिलाने से इसका इन्फेक्शन, इसका कभी इन्फेक्शन होता है, ये जो एंटीबॉडीज हमारी ब्लड में बनी होती हैं वो इस वैक्सीन उस रियल पैथोजन को किल कर देती हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन है। एक दो और इन्फेक्शन हमको आइए देख लिया जाए, आइए देखा जाए और जो वायरल इन्फेक्शन वायरल डिजीजेस हैं उनके बारे में। ये देखिए एक वायरल डिजीज है जिसका नाम है, अगर आप देखें तो ये रेबीज है, ये एक डिजीज है, आप लोग खूब सुना होगा रेबीज, ये डिजीज का नाम है रेबीज जो है। तो इसके अगर आप पैथोजन को देखें, मतलब जो वायरस है जिससे ये इन्फेक्शन होता है, अगर आप पैथोजन को देखें
पैथोजन को देखें तो वायरस का नाम रेबडो वायरस है, ये देखिए वायरस का नाम रेबडो वायरस है, या इसी को हम लोग स्ट्रीट वायरस कहते हैं। स्ट्रीट वायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि कुत्ते, सियार, ऐसे जानवरों के कांटे से, बिल्ली ऐसे जानवर, मंकी ऐसे जानवर कांटे से फैलता है, स्ट्रीट एनिमल्स उनके आधार पर हम लोग स्ट्रीट वायरस कहते हैं। अगर आप इसे वेक्टर देखें तो वेक्टर जो है इसका कौन कौन है, ये देखिए मेन तो होता है इसका जो है डॉग होता है जिसके कांटे से फैलता है, फिर देखिए सियार होता है, इसके सिवा जो है मंकी होता है, डॉग होता है, मंकी होता है, सियार होता है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ सियार होता है, एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स उनके कारण ये इन्फेक्शन हमें होता है, मतलब ये इन्फेक्शन हमें जो है इन लोगों के काटने से होता है। कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, सियार हो गया, ऐसे जानवरों के काटने से ये इन्फेक्शन हमको हो जाता है, ये इनकी बॉडी में पड़ा होता है, विक्टर ये हो जाते हैं। अगर आप इसके सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स जो होता है इसमें जो होते हैं मेनली मैडनेस होती है, व्यक्ति पागल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये वायरस हमारी सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड को नुकसान पहुंचाता है, मैडनेस हो जाती है। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाती है। हाइड्रोफोबिया माने वो व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन होता है वो पानी से दूर भागने लगता है, मतलब पानी से भागता है, पानी से डरता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन है वो व्यक्ति पानी से डरने लगता है, मैडनेस। खास बात इसकी है 100% डेथ, अगर किसी को इसका इन्फेक्शन हो गया तो उसके बचने की कोई चांस नहीं है, डेथ फिक्स है उसकी, मरना ही है उसको। वैसे इसके लिए भी ट्रीटमेंट है, एंटी वैक्सीन आती है इसके, एंटी रेबीज की, जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लोगों को बचना चाहिए। इसके सिवा और देखिए, मान लेते हैं ये पहला हमने मान लिया, दूसरा देखिए। अगर आप देखें दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं स्वाइन फ्लू। ये देखिए आपने नाम सुना होगा, कभी कभी आ जाती है जब मन कहता है। इसके पैथोजन का नाम अगर आप देखें, पैथोजन का नाम तो H1N1 है, ये इसके पैथोजन का नाम है। सिम्टम्स अगर आप देखें तो इसका सिम्टम्स न्यूमोनिया लाइक है, मतलब जो जो हालत न्यूमोनिया में होती है वही हालत यहाँ पर भी होता है। ये देखिए अगली जो डिजीज है उस डिजीज का नाम अगर आप देखें तो अगली डिजीज का नाम सार्स है। अगर आप पूरा इसका नाम देखें तो इसका पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ये देखिए सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ये इसके डिजीज का नाम है, इतना बड़ा ये डिजीज का नाम है। पैथोजन का नाम आपको देख डर जाएंगे, डरना नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं कहीं आप डर ही जाएंगे। पैथोजन को अगर आप देखें तो इसके पैथोजन का नाम कोरोना वायरस है, मतलब ये जो कोरोना आज आप पढ़ रहे हैं ये कोरोना आज से नहीं है, ये पहले ही ऑलरेडी साइंस ने एक्सप्लेन कर दिया है इसको। ऐसा नहीं कि नया कोई पैथोजन है जो आप जान रहे हैं, ऑलरेडी साइंस ने पहले एक्सप्लेन किया है, आपने पढ़ा होगा। इसके सार्स का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। अगर आप इसके सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स इसके भी न्यूमोनिया लाइक सिम्टम। ये देखिए न्यूमोनिया लाइक है, ये भी एक इन्फेक्शन है। इसके सिवा अगर आप देखें और भी इन्फेक्शन है, ये देखिए चिकन पॉक्स आप पढ़ते हैं, ये जो पढ़ते हैं आपको छोटी माता निकल आती है तो इसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। ये देखिए स्मॉल पॉक्स, हिंदी में इसे छोटी माता कहते हैं या छोटी चेचक कहा जाता है। इसके अगर आप पैथोजन का नाम देखें, इसके पैथोजन का नाम है पॉक्स वायरस। ये देखिए पॉक्स वायरस है, कंटेजियस डिजीज है, जिसको होता है उससे दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है। और अगर आप इसके सिम्टम्स देखें, तो ये देखिए रैसेस इन बॉडी
सबसे खास बात है इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, ये डिजीज भारत से पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कौन सी डिजीज है जो इंडिया से पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है, तो आप कहते हैं सर ये जो है स्मॉल पॉक्स है। इसके सिवा और देख लें तो वायरस, ये देखिए एचआईवी वायरस, इसका आप नाम जानते होंगे, इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, ये पैथोजन का नाम है, इतना बड़ा ये पैथोजन है। पहली बात तो आप ये समझिए कि ये पैथोजन है, तो अगर पैथोजन है तो डिजीज का नाम ऊपर लिखना पड़ेगा पांच, तो डिजीज उसका नाम एड्स, एड्स का पूरा नाम आप जानते ही होंगे, क्या नाम है एड्स का पूरा नाम, आप कहेंगे अरे सर आगे की बात करिए तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये डिजीज का नाम है, ये पैथोजन का नाम है। सिम्टम्स क्या है इसके, इट अफेक्ट आवर इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। ये देखिए किस सेल को नुकसान पहुंचाता है, आप लिख सकते हैं सर ये टी हेल्पर सेल को नुकसान पहुंचाता है, मेनली इस सेल को नुकसान पहुंचाता है जिससे हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। एक और है लिख लें आप मम्स वायरस, ये देखिए ये मम्स वायरस है, इससे हम लोगों को जो इन्फेक्शन होता है अगर आपको पता होगा तो ये अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट आवर पैरोटिड ग्लैंड, ये हमारे पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है जिससे हमारे गले में सूजन हो जाती है और फिर हमें बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे ढेर सारे वायरसेस हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को। वर्तमान में आप लिख लीजिए कोरोना वायरस, दुनिया ने पूरी दुनिया में इसने क्या बचा रखी है, इसमें पूरी दुनिया में इसने क्या बचा रखी है, ऐसे लिख लीजिए सर धूम मचा रखी है, धूम मचा रहे नचा के रख दिया पूरी दुनिया को, इसने पूरी दुनिया को स्विच ऑफ कर दिया इस वायरस ने, एक झटके में पूरी दुनिया बंद कर दिया इस वायरस ने। किसका भाई है, सार्स का भाई है, इसलिए मैंने पैरेलल लिखा हुआ है, बच के रहिएगा खतरनाक है ये।